दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये जो कोर्स है, हैंडराइटिंग का कोर्स जो मैंने बनाया है सभी के लिए, इससे आपको बहुत बहुत मदद हो रही है और स्टूडेंट को खासकर अक्षर सुधारने में भी बहुत मदद हो रही है। तो दोस्तों, ये आखिरी लेसन है जिसमें आपको सीखने को मिलने वाला है र ल व श ष स ह ळ क्ष ज्ञ और रु। तो दोस्तों, ये सारे अक्षर इसमें सीखने को मिलेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ र कैसे लिखा है। र के बाद में हमें लिखना है ल। तो दोस्तों, ये जो ल है, ये ल को दो टाइप से लिखा जाता है। जैसे आप फर्स्ट रो में देखोगे, पहली वाली लाइन में, तो मैंने दो टाइप से लिख के रखा है और यहाँ पर भी मैं लिख के बताऊंगा। पहले एक हाफ सर्कल बना लेना है आपको, और उसको एक स्लांटिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लिपिंग लाइन जोड़ दोगे तो आपका ये ल अक्षर पूरा हो जाता है। अभी यहाँ पर देखो, मैं दोस्तों नीचे के लाइन में दूसरे टाइप का जो ल है वो आपको यहाँ लिख के बताऊंगा। तो इसमें क्या होता है, दोनों तरफ से हाफ सर्कल, या तो आप मानो कि हाफ वाला हार्ट शेप अगर बना लेके तो आपको ये दूसरा वाला ल मिल जाएगा। इसको दो टाइप से लिखा जाता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कि सच में इस कोर्स से आपको हेल्प हो रही है, या तो जैसे आपका एकेडमिक ईयर चालू हो जाएगा तो आपको पता चलेगा आपका अक्षर बहुत अच्छा हो गया, स्कूल में भी आपका सब प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, आपका अक्षर अच्छा हो गया है। तो दोस्तों, इस कोर्स को जरूर देखें अगर देखा नहीं है तो, और इस कोर्स से आपको जरूर जरूर बेनिफिट ही मिलने वाला है। और देखिए, व को मैं कैसे लिख रहा हूँ। व को लिखने के लिए हमें, जैसे हमने ब को लिखा था उसके बीच में एक लाइन थी, बस वैसे ही लिखना है, लेकिन लाइन नहीं देना है बीच में। एक छोटा सा सर्कल दो लाइनों के बीच में, एक स्टैंडिंग लाइन और एक ऊपर स्लिपिंग लाइन, ऐसे जोड़ दोगे तो ये व आपको मिलेगा। देखिए, लेकिन जो व का जो सर्कल है वो दो लाइन के बीच होना चाहिए। अगर वो ऊपर जाता है या नीचे आता है तो ये व अक्षर दिखने में अच्छा नहीं लगता है, और सभी अक्षरों का साइज सेम होना चाहिए। और ये है श। तो ये श को देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, यहाँ पे शंख वाला श। तो यहाँ देखिए, इसको जैसे हमने र लिखा था या स लिखा था उसी के जैसा, लेकिन इसके ऊपर एक छोटा सा सर्कल बन जाता है, एक छोटा गोला बनाते हैं, तो ये श ऐसा दिखता है। और इस श को भी दो टाइप से लिखा जाता है दोस्तों। तो ये ऐसे भी श लोग लिखते हैं, या तो हम बहुत सारे इसमें देखते हैं, जैसे कोई विज्ञापन होता है तो उसमें भी। तो दोस्तों देखिए, ये वाला भी श ऐसे, यहाँ दोनों टाइप से मैं आपको लिख के यहाँ बता रहा हूँ। तो जो भी आपको सुटेबल हो उस टाइप का आप लिखे। अभी हम देखते हैं षटकोण वाला श। तो यह श को हमें कैसे लिखना है, जैसे हमने प को लिखा था। तो दोस्तों देखिए, इसको षटकोण वाला श ऐसे लिखना है हमें, इस टाइप से, और उसके बीच में एक लाइन दे देना है। तो ये षटकोण वाला श, और सभी लेटर का साइज भी मैं यहाँ मेंटेन कर रहा हूँ, एंगल मेंटेन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं पहले लेसन से ही बोल रहा था कि एंगल, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को आदत होती है कि स्लांटिंग लिखते हैं, तो हर एक लेटर स्लांटिंग होगा तो हस्ताक्षर बहुत अच्छा दिखेगा हमारा। अगर एंगल कभी स्लिपिंग कभी स्लांटिंग हो जाता है तो अक्षर अच्छा नहीं दिखेगा। देखिए, और उनकी हाइट भी हमें मेंटेन करना है। तो दो लाइन में इसी के लिए लिखते हैं हम कि हमारा जो हाइट है लेटर्स की, तो वो सभी की सेम आती रहे और हमें एक डिसिप्लिन लगे लिखने का। तो इसके लिए हमें टू लाइन में लिखा, लिखने के लिए हमारे स्कूल में भी बोला करते थे हमारे टीचर्स लोग, हमारे पेरेंट्स भी बोला करते थे कि रोज शुद्ध लेखन लिखो। तो देखिए, यहाँ पर ये ऐसा आपको षटकोण वाला श लिख के पूरा पेज करना है। अभी स लिखेंगे। तो ये देखिए, स को मैं कैसे लिख रहा हूँ। स को लिखने के लिए हमने जैसे र लिखा था, और उसके बाद में जो हाफ सर्कल है वहां से एक लाइन निकाल के वो स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन को जोड़ देना है। तो देखिए, ये ऐसा स लिखा, एक स्लिपिंग, एक स्टैंडिंग, वापस एक स्लिपिंग। तो ऐसे लाइंस हम जोड़ देंगे,
तो ये स ऐसा बनेगा और सभी स दिखने में एक जैसे होने चाहिए, सभी का गोलाकार एक जैसा होना चाहिए और सभी की जो स्पेसिंग है वो भी सेम होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो कृपया जाकर मेरे सारे वीडियोस देखें, मैंने शुरू से क्या प्रैक्टिस करना है ये भी बताया है। तो आप ये सभी वीडियो देखें एक के बाद एक, इससे आपको पूरे लेटर्स भी सीखने को मिलेंगे और आपका हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी इसके बाद में हमें लिखना है ह, हाथी का ह। देखिए तो ह को कैसे लिखेंगे, जैसे हमने ड लिखा था ना उसी तरीके से, लेकिन क्या है नीचे का जो हाफ सर्कल था ड के वो पूरा नहीं करना है, आधे बीच में हाथ रोक देना है हमारा, और इधर से फिर हमें अपोजिट वाला हाफ सर्कल बना लेना है। तो ये ह दिखेगा और ह की जो सेकंड वाला जो हाफ सर्कल है उसकी लाइन नीचे आती है। तो देखो ऐसे लिखना है आपको ह, ये देखिए हाथी वाला ह हम कैसे लिख रहे हैं। तो सभी लेटर्स एक ही जैसे है, देखो दोस्तों हस्ताक्षर सुधरेगा तभी हमारा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ वीडियो देख लिया हमने और कुछ नहीं किया तो नहीं सुधरेगा। तो आप प्रैक्टिस करो इसकी और प्रैक्टिस के बाद जरूर कमेंट करो कि आपको सच में इस मेरे एकदम साधारण से कोर्स से आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। दोस्तों ये कोर्स आपको मिल रहा है अरिहंत ड्राइंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं हूँ राहुल उन्होंने आपका दोस्त। तो आप इस चैनल को देखते रहिए। अभी हम ल लिखेंगे, जैसे ये हिंदी में आता नहीं है लेकिन दोस्तों ये मराठी और हिंदी दोनों के लिए उपयोगी हो, दोनों जो भी लिखना चाहते हैं हिंदी मराठी सबके लिए, इसके लिए मैंने ये इसमें इंक्लूड कर लिया। तो दोस्तों देखिए यहाँ ल मैं कैसे लिख रहा हूँ। ल लिखने के लिए हमें एक छोटा और एक बड़ा सर्कल दो ऐसे जोड़ देंगे साइड बाय साइड, तो इसी प्रकार से हमें बहुत ही सुंदर अक्षर ल मिलने वाला है। देखिए तो ये ल भी हमने यहाँ पर लिख लिया है, देखो। अभी इसके बाद में है क्ष, ये क्ष देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। जैसे हमने लास्ट में थ लिखा था, एक छोटा गोला एक हाफ सर्कल बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है और उसको लाइन से जोड़ा था, इसको जोड़ना नहीं है, इसको हाथ बीच में रोक के उसकी लाइन द के जैसी नीचे खींचना है। तो ये क्ष आपको इतना सुंदर मिलेगा यहाँ देखिए, और सभी की हाइट और स्पेसिंग मेंटेन करना है और कोशिश करना है कि हर लेटर एक के नीचे एक आए तो बहुत ही हमारी बुक भी अच्छी दिखेगी और हैंडराइटिंग भी हमारी अच्छी दिखेगी। तो स्पेसिंग का भी हमें आदत इसके लिए लगाना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब भी दो हमारे शब्द पूरे हो जाएंगे, दो वर्ड्स लिखना पूरा हो जाएगा तो उसके बीच में की स्पेसिंग हमें बराबर छोड़ने की आदत लगेगी, तो उस आदत से हमारी हैंडराइटिंग बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए ये सारे क्ष यहाँ पर मैंने लिखे हैं, मैंने थोड़े से पहले ही लिख के रखे ताकि पेज भरा हुआ दिखे। तो यहाँ पे लिखना है हमें ज्ञ, मराठी में हम इसको ज्ञ बोलते थे, तो ज्ञानेश्वर का ज्ञ यहाँ हमें लिखना है। देखिए इसको जैसे लास्ट टाइम में हमने ई बनाने की प्रैक्टिस की थी वैसे ही हमें लिखना है, लेकिन ई जो ऊपर से कनेक्ट होती है ना लाइन को वैसे नहीं करना है, यहाँ ऐसे इसको लिखना है देखिए, और बाद में स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से इसको जोड़ दोगे तो ये ज्ञ हमारा बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए ये सारे ज्ञ हमारे पूरे हो गए। अभी लिखना है रू, ऋषि, ऋषि हम जो बोलेंगे तो उसका रू यहाँ हमें लिखना है। तो ये जैसे समझो लास्ट टाइम हमें त्र लिखने को आया था तो इसका आधा देखेंगे तो त्र है और इधर से ये ऐसा अक्षर इसको जोड़ेंगे तो ये रू बन जाएगा। देखिए
दोस्तों सच में ये कोर्स बहुत अच्छा हो गया है, मुझे भी पसंद आया क्योंकि ये लिखते लिखते मेरी भी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो रही है आप ही के कारण। दोस्तों जिन्होंने भी मुझे कहा था, मेरे स्टूडेंट्स ने भी कहा था, सर आप हैंड राइटिंग का एक कोर्स बनाइए, तो इस कोर्स से स्टूडेंट्स को भी मदद हो गई और मुझे भी मदद हो गई है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा दोस्तों, ये कोर्स आप पूरा देख रहे हो, और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ जाता है और मैं नए नए कोर्सेस आपके लिए बहुत साधारण भाषा में बना पाता हूँ। तो दोस्तों थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए।